हेलो। हाँ रोहन बोलो। भाई यार, आप बोल रहे थे लॉजिक बिल्डिंग पे वीडियो बनाओगे। एक हफ्ता हो गया आपका, कोई कॉल नहीं है, टेक्स्ट नहीं है। हाँ यार वो मैं एक्चुअली भूल गया। मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ क्या? यार थोड़ी देर बाद, यार एक हफ्ते से कोशिश कर रहा हूँ बात करने की आपसे यार। अरे सुन सुनो तो यार। अरे यार देखो यार, एक हफ्ते से बोल रहा हूँ आपको यार, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। आपको पहले ही बोल रखा है मेरे को नहीं आता लॉजिक बिल्डिंग। अरे सुन सुनो तो यार यार। इस हिसाब से तो मैं कोड ही नहीं कर पाऊंगा यार। मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ फ्यूज को, रियूज करवा, इनमें से अरे नहीं हो रहा अरे भाई। अरे अरे बात तो सुनो यार। अरे चलो यार स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्डिंग की प्रॉब्लम हर डेवलपर को कभी ना कभी जरूर आती है। स्टैक ओवरफ्लो के मुताबिक आधे से एक घंटा हर डेवलपर अपनी जिंदगी में डेली बिताता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसा स्टैक ओवरफ्लो का डेवलपर सर्वे बोलता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आई हैव बीन देयर यार। जब मैं भी अपना काम करता था कोडिंग से रिलेटेड, कुछ तो यार मेरा एग्जीक्यूशन होता ही नहीं था आइडिया का। क्या आप भी इसी सिचुएशन में, आप लोगों ने कोडिंग सीख लिया, आपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए, बुक्स पढ़ ली, लेकिन उसके बाद भी आप लोग से कुछ नहीं होता, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाने जाते हो वो नहीं बनता? अगर आप लोग भी सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं, मैं जानना चाहता हूं। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा, एक एक टिप में दम होगा, एवरी सेकंड इज गोइंग टू बी वर्थ इट। वीडियो पूरा जरूर देखना। पहले टिप देने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ में 50 प्रोग्राम्स लिखे? अगर नहीं लिखे तो आप लोग इस क्वेश्चन को पूछने के लिए एलिजिबल नहीं हो कि मेरी लॉजिक बिल्डिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि यार आपने अपने हैंड्स डर्टी ही नहीं किए। तो पहली टिप मेरी यही है कि गेट योर हैंड्स डर्टी। अगर आप लोगों ने इतना कोड लिखा ही नहीं है कि आप लोग एक सर्टेन लेवल तक कर पाए, देखो यार अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी, और ये चीज दुनिया की हर चीज के लिए लागू होती है। मान लो एक बच्चा है, आप लोग उसको एक फोन देते हो, उसने कभी अपनी जिंदगी में फोन नहीं चलाया है, तो वो बच्चा भी फोन में गेम नहीं खेल सकता, चाहे उसको गेम खेलने की फिर कितनी भी चाहत हो, वो नहीं खेल सकता गेम्स। लेकिन अगर उसी बच्चे को आप लोग 2 से 3 दिन के लिए फोन दे दोगे तो फिर आप देखोगे चौथे दिन वो आप लोग को उस फोन के ऐसे ऐसे फीचर्स बता देगा, आप लोगों ने भी कभी जिंदगी में फीचर्स वो देखे नहीं होंगे उस फोन के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप परफेक्ट बन पाते हो। देखो 50 बार करोगे आप 50 बार गलत करोगे, लेकिन 51वें बार आप उसको सही करोगे। यही चीज कोडिंग के लिए भी है। आप बेसिक प्रोग्राम्स बनाओ, फेल हो नहीं बनेगा, आप पहला प्रोग्राम बनाने की कोशिश करोगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बनाओ, सॉल्यूशन देख लो, वीडियो देख लो, फॉलो अलॉन्ग करो, भले ही आधा समझ में आए लेकिन फॉलो अलॉन्ग करो, उसको बना लो अपने हाथों से, भले ही देख देख के बनाओ। एक बार आपने बना ली लेकिन उसके बाद फाइनली आपको ये पता चलेगा कि इस प्रोसेस में आप लोग सीख जाओगे, और इस प्रोसेस में ही आपको लॉजिक बिल्डिंग आ जाएगी। ये लॉजिक बिल्डिंग का कोई कोर्स नहीं होता है, लॉजिक बिल्डिंग आप कोड लिखकर ही सीख सकते हो। सिर्फ एक तरीका है लॉजिक बिल्डिंग को सीखने का, और वो है कोड लिख लिख कर, लिख लिख कर और लिख लिख कर। अब आप पूछोगे यार प्रोग्राम्स में कैसे लिखूं? देखो लीड कोड के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करो। मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स की और एक C++ के बेसिक प्रोग्राम्स की, उनको उठा लो, सॉल्यूशन देख देख के करो और मार्क करो कि यार मैंने 1 कर लिया, 2 कर लिया। जब तक आपने 50 नहीं कर लिए ना, तब तक आप ये सवाल मत करना कि यार मेरी कोडिंग क्यों नहीं हो रही है, मेरे से मेरा लॉजिक क्यों नहीं बन रहा है। टॉकिंग अबाउट लीड कोड, एक ट्रेंड के बारे में आप लोगों को बताता हूं। अगर कोई भी इंसान 600 प्रॉब्लम सॉल्व करता है लीड कोड की, तो उसमें से 51% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व ही नहीं कर पाता है, और जो बाकी की 49% उसने सॉल्व की होती है ना, उसमें से सिर्फ 1% हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो मेरा ये बताने का आप लोगों को मोटिव ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बड़े से बड़ा डेवलपर 100% प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता। अगर अलग अलग टॉपिक की प्रॉब्लम्स की भी हम लोग बात करें तो लॉजिक बिल्डिंग का एक रूल है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उसके लेट अस से 6 तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देयर इज अ गुड चांस कि आप लोगों से अगर कोई और सवाल पूछे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, तो आप कर लोगे, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है। 10th क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस किया करते थे, कुल मिलाकर लॉट फेर के वो रिपीट होते थे क्वेश्चंस। तो आप लोग को ये इंश्योर करना है कि यार गाड़ी आपकी चलती रहे। आपने एक प्रॉब्लम किया, 1 से 2 करो, 2 को 3 करो, 3 से 4 करो, बिना अपने आपको फ्रस्ट्रेट करे हुए। अगर आप कहोगे यार आज मैंने शुरू करा है, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, इट्स एज गुड एज सेइंग कि यार मैंने आज नर्सरी में एडमिशन लिया है, मुझसे 10th क्लास का क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। धीरे 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 चीजें आप लोगों से होंगी, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है कि यार कम से कम 1 महीने तक डेली की 2 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप एक के पास एक छोटा हथौड़ा है और आप उसको एक ईंट पे मारो, अगर आप 1 साल तक रोज मारते रहोगे तो वो ईंट कैसे नहीं टूटेगी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे मुश्किल होता है, लॉजिक बिल्डिंग मुश्किल नहीं होता है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि यार गूगल में क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व करना है, अमेजोन में क्वेश्चन पूछा उसको सॉल्व करना है। अरे बेसिक तो कर लो यार, पहले एलसीएम एचसीएम वाले प्रोग्राम्स को नहीं बनाने, वो कहते हैं यार ये तो बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट करो। सम करने का 2 नंबर्स को प्रोग्राम बनाओ अगर आपने स्टार्ट किया है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, और उसके बाद जाके लीड कोड की प्रॉब्लम्स पे आओ, और फिर उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप लोग सॉल्यूशन को देखो और रिविजिट करके उसको दोबारा 3-4 दिन के बाद फिर से उस प्रॉब्लम पे आके सॉल्व करो। कोडिंग शुरू करने से पहले आप लोग प्लान करें कि आपके कोड को किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करना है, कितनी फाइल्स होंगी, कहां पर क्या चीज आप रखोगे, फोल्डर्स बना लो यार अलग अलग चीजों के। जैसे अगर आप लोग एक वेब ऐप बना रहे हो तो आपकी पब्लिक डायरेक्टरी अलग होनी चाहिए, HTML, CSS, JavaScript फाइल्स एकदम अलग अलग फोल्डर्स में होनी चाहिए। ऐसे करने से आपका कोड ऑर्गेनाइज रहता है, और फिर जब आप लोग एक्चुअल लॉजिक बिल्डिंग में आओगे तो कम से कम फाइल का उलझट्टा आप लोग को परेशान नहीं करेगा। फिर फाइल्स का नाम आप लोग बहुत ठीक से रखें, जैसे कि अगर कोई एक फाइल कंट्रोलर है तो उसका नाम आप लोग रख सकते हैं .controller.js। अगर किसी फाइल का एक पर्टिकुलर पर्पज है तो आप उसको उसके नाम में हाईलाइट
चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ABCD के नाम से फाइल रखेंगे तो शायद फ्यूचर में आप खुद ही पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी फाइल का क्या पर्पज है। अपने कोड को छोटे मॉड्यूलर रीयूजेबल कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। हर एक मॉड्यूलर फंक्शन को एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। मॉड्यूलराइजेशन कोड को पढ़ने में आसान बनाता है, आपको समझाने में मदद करता है और कोड को रीयूज करना पॉसिबल बनाता है। अपने कोड को कोहेसिव मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन करें जो कि एक स्पेसिफिक कंसर्न को हैंडल करते हैं और जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी में सुधार हो। अब आप कहोगे कि यार ये कोहेसिव मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो देखो यार कोहेसिव मॉड्यूल एक ऐसा रीयूजेबल मॉड्यूल होता है जिसको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, उसमें आपने एक ब्लॉक की फंक्शनैलिटी भी दे दी। अब आप लोग चाहते हो एक ब्लॉक की फंक्शनलिटी आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे भी दो, तो ऐसा ना हो कि आप उसको दोबारा बना रहे हो। आप लोग चाहोगे कि जो चीज आपने अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए बनाई थी ज्यादा से ज्यादा आप लोग रीयूज कर पाओ अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में। एक अच्छा मॉड्यूल वो होता है कि जिसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको आप अलग अलग एप्लीकेशन में रीयूज कर पाओ। इसी के साथ साथ आप लोग कोशिश करें कि हर बार ड्राई कोड लिखें। ड्राई की फुल फॉर्म होती है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, व्हिच मींस कि आप लोग अपने कोड में सेम चीज को बार बार नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि चार नंबर्स का सम करके उनका हार्मोनिक मीन निकाल रहा है, तो आप लोग दोबारा इस चीज को ना करके उसका फंक्शन बना लेंगे, या फिर अगर आप लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को बार बार अपने कोड में रिपीट कर रहे हैं तो उसका आप एक कंपोनेंट बना लेंगे ताकि आपको रिपीट ना करना पड़े। ड्राई की एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि कभी भी आपको कोड चेंज करना है तो एक जगह चेंज करना है। अगर एक चीज आपके कोड में 10 जगह है और आपको फिर फ्यूचर में चेंज करना पड़ गया तो आपको 10 जगह चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोग ड्राई प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ एक बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेम कंपोनेंट या मॉड्यूल को रीयूज करके उसको बनाया हुआ है। मेंटेनेबिलिटी ओवरऑल कोड की आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है अगर आप लोग ड्राई प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका रिडंडेंट कोड कम होता है, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और आपके ओवरऑल कोड बेस में क्लटर कम होता है। दूसरे लोगों के कोड को देखें और YouTube वीडियोस को देखें। सिंपल प्रोजेक्ट्स लाइक टू डू लिस्ट, टिक टैक टो, बेसिक ब्लॉग, इन पर काम करें। लोग बात करते हैं ट्यूटोरियल हेल्प की कि यार ट्यूटोरियल ज्यादा मत देखो और काम ज्यादा करो, कोड ज्यादा लिखो, लेकिन मैं इसकी उल्टी बात करूंगा कि यार देखो अगर आपसे लिखा ही नहीं जा रहा है कोड तो वापस से आ जाओ ट्यूटोरियल पे और ट्यूटोरियल को देख देख के फॉलो अलॉन्ग करो। फिर अगर उसका आप लोगों को 50-60% ही क्यों ना आ रहा हो समझ में, लेकिन आप पूरा करो प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद जब आप रिविजिट करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार मुझे क्यों समझ में क्या नहीं आ रहा था। क्योंकि यार अगर आपके हाथ चल ही नहीं रहे तो आप बिल्कुल रुके हुए हो, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, इससे बेटर कि आप लोग ट्यूटोरियल देखो लेकिन एट द सेम टाइम अपने हाथ को भी चलाओ कोड लिखते में। अगर आप लोग अपने आप को ब्लैंक पा रहे हैं तो उससे बेटर यही है कि आप लोग वीडियो देखते देखते कोड लिखें। हो सके तो पेयर प्रोग्रामिंग भी करें। पेयर प्रोग्रामिंग कहते हैं एक ऐसे अरेंजमेंट को, एक ऐसी सेटिंग को जिसमें कि आप मेनली चला रहे हो, आप चालक हो, आप कोड लिख रहे हो, लेकिन आपके बाजू में एक दोस्त बैठा हुआ है आपका जो कि आप लोगों को गाइड कर रहा है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को बता रहा है, आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है तो वो आपको बता रहा है कि भाई देखो ये फाइल तो तुमने खोली ही नहीं, यहां तो तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया वेरिएबल, जो बहुत ही सिली मिस्टेक है ना आपकी वो एलिमिनेट हो जाती है ऐसा करने से। दो लोगों का दिमाग लगता है एक जगह पर, अब वो दो लोग प्रोग्रामिंग बिगिनर्स ही क्यों ना, इसलिए ये दोनों पार्टीज को बेनिफिट करता है। अब मैं आप लोगों को एक और बहुत ही यूजफुल मेथड के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है रबर डक मेथड। पर्सनली मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। रबर डक मेथड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव लर्निंग मेथड है जिससे कि आप लोग एक पर्टिकुलर चीज को सीख लेते हो, फिर एक रबर डक लेते हो और उस रबर डक को समझाते हो अपनी लैंग्वेज में। जैसे मान लो मैंने रिकर्शन के बारे में पढ़ा, तो मेरे पास अगर कोई नहीं है तो मैं अपने रूम में एक रबर डक को रखूंगा और मैं उसको समझाऊंगा कि रिकर्शन क्या होता है, क्योंकि जिस चीज को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ वो चीज मुझे समझ में भी नहीं आई, तो अगर मैं उसको समझा पा रहा हूँ तो मैं उस चीज को बहुत ही क्लियरली समझ सकता हूँ और मुझे अपने इस सवाल का आंसर मिलेगा कि क्या मैंने वो चीज सही से समझी। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे समझ में नहीं आया उस ओवरऑल कॉन्सेप्ट में से? इस टेक्निक का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। अगर आप अपनी कही हुई बात को रबर डक को नहीं समझा पा रहे हो उसका मतलब वो आपको समझ में नहीं आ रही है, पर एक पर्टिकुलर चीज ही पे आप फंस रहे हो रबर डक को समझाते वक्त, समझ जाओ वो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, जाकर उस कॉन्सेप्ट को पक्का करो। इससे आप लोग कभी पब्लिकली कोड रिव्यू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने रबर डक को समझा रखा है, स्टेज फियर आपका खत्म होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक तरह से आप ऐसा समझ लो पब्लिक स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है, कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल रहा है कहां पर आपका वीक है, एक तीर से मल्टीपल निशाने लग जा रहे हैं कुल मिला के। अब आप इस काम के लिए अपने फेवरेट दोस्त चैटर्जी और बैनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे चैटर्जी मतलब चैट जीपीटी और बैनर्जी मतलब गूगल बार्ड। आप लोग जब चैट जीपीटी और गूगल बार्ड को इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर तो वही कर दे रहा है। आप चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के साथ पेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एक पार्शियल पेयर प्रोग्रामिंग, जहां आप उसको अपना स्निपेट दिखा सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तो ये सब चीजें आप लोगों को मालूम चलती है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये चैट जीपीटी और गूगल बार्ड के बारे में तो मुझे पता है यार, कुछ नया बताओ। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आप यूज करते हो चैट जीपीटी को?
क्या आप गूगल बार्ड को यूज करते हो? लास्ट टाइम कब आपने अपना कोड दिया था गूगल बार्ड और चार जीबीटी को रिव्यू करने का? नहीं दिया था ना। तो मैं यही कह रहा हूँ यार कि क्यों नहीं करते हो यूज, एक बार सोचना इस बारे में क्यों यूज नहीं करते हो। फ्री है यार, कुछ ऐसा समझ लो एक बहुत ही फ्री रिसोर्स आप लोगों के हाथ लग गई है। अब होता क्या है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आज से 10 साल पहले गूगल बार्ड और चैट जीबीटी थे भी नहीं, जब मैं कोडिंग में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तब मुझे कोई रियल वर्ल्ड पर्सन भी नहीं मिलता था अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। आपके पास चैट जीबीटी गूगल बार्ड क्यों नहीं यूज करते हो? एक बार सोचना जरूर इस बारे में। और भी कोई नया टूल आ जाएगा फ्यूचर में तो यार उसको भी इस्तेमाल करो, जो चीजें हैं उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा, आपसे आगे निकल जाएगा। थ्योरेटिकल नॉलेज और बेसिक प्रोग्राम्स के अलावा आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करें। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करके आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आने वाली है जब आप लोग किसी बड़ी कंपनी में या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करोगे। अगर आप लोगों को काम कहीं पर नहीं मिल रहा है तो कुछ पर्सनल से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाओ, एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, या फिर अगर आप लोग ई कॉमर्स में हो तो अपनी बहुत ही बेसिक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का ट्राई करो। इससे आप लोगों की एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है और आप लोगों को इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता चलता है। और उसके बाद भी आप लोगों से रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं बन रहे तो मैं कहूंगा कि आप लोग YouTube वीडियो को देखकर फॉलो अलॉन्ग करो। मैंने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स कराए हुए YouTube पर, उनको आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखकर फॉलो अलॉन्ग करो। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ ये बोल के कि लॉजिक बिल्डिंग कोई मैजिक नहीं है। आप लोगों को काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पर टाइम बिताना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज ये कि ये एक या दो दिन का काम नहीं है, आप लोगों को कुछ दिन नहीं कुछ महीने बिताने पड़ेंगे कोड लिखते लिखते और उसके बाद आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी। तीसरी चीज ये कि लॉजिक बिल्डिंग बाइनरी नहीं होती है, इट्स नॉट लाइक 0 और 1 की या तो आपको आती है या नहीं आती है। नहीं, लॉजिक बिल्डिंग में सीनियर से सीनियर डेवलपर फंसता है और कोई भी लॉजिक बिल्डिंग में 100% कभी हो ही नहीं सकता। देयर इज ऑलवेज सम स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं तो 100 में 100 हूं, मुझे 100% जो है लॉजिक बिल्डिंग आती है, ऐसा कभी नहीं होगा। जितना आप करते जाओगे उतना सीखते जाओगे और जितना आप सीखोगे उतना आपको पता चलेगा कि सीखने के लिए कितना ज्यादा है। फंसता हर कोई है, सीनियर डेव हो, जूनियर डेव हो, 10 साल वाला डेव हो, 20 साल एक्सपीरियंस वाला डेव हो, बस डिफरेंस ये होता है कि जो 20-30 साल एक्सपीरियंस वाला डेवलपर होगा वो जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में फंसेगा, आप शायद हल्के फुल्के लॉजिक बिल्डिंग में फंस जाओ। लेकिन फंसता हर कोई है, स्टैक ओवरफ्लो हर कोई खोलता है, चैट जीपीटी से क्वेश्चन हर कोई पूछता है लॉजिक बिल्डिंग को लेकर। हमारा एम ये होना चाहिए कि यार अगर हम यहां खड़े हैं लॉजिक बिल्डिंग में तो हम यहां आ जाए और टाइम के साथ फिर यहां भी आए और हम इंप्रूव करते रहे। तो यहां पर हमें इंप्रूवमेंट के पीछे भागना है, किसी से बेहतर बनने के पीछे नहीं भागना है, ना ही हमें ऐसा बनने के पीछे भागना है कि यार कोई भी प्रॉब्लम दे दो इस दुनिया जहान की हम सॉल्व कर देंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। दुनिया की सब प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती। एंड एक बात और मैं आप लोगों को बताऊंगा, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड यू हैव रिटन इन योर एंटायर लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लॉजिक बिल्डिंग जो कि आपको आती है। यानी कि जितना लाइन ऑफ कोड और जितना टाइम कोडिंग करने में आपने अपनी जिंदगी में बिताया होगा उतना बढ़िया लॉजिक बिल्डिंग आप लोग कर पाओगे। इसलिए आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना है कोड लिखने में। कभी भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पकड़ के आप लोग मत बैठो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पकड़ लोगे स्टार्टिंग में ही तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सिंपल से स्टार्ट करो। सो आई होप कि आप लोगों को लॉजिक बिल्डिंग समझ में आ गई होगी और आप लोगों के डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दिए होंगे इस वीडियो ने। अब आपको करना क्या है, जाना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चलो भाई रैप अप हो गया वीडियो। हेलो रोहन। हाँ वीडियो देखी? हाँ देखा। गुस्सा हो गया अभी भी? नहीं नहीं गुस्सा क्यों। फिर VS Code इंस्टॉल की?